नमस्ते। एक व्यक्ति से मैंने पूछा, रिश्तेदार किसे कहते हैं? उसने कहा कि जिनसे हमारा खून का रिश्ता हो वो रिश्तेदार कहलाते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, बुआ मौसी इत्यादि। मैंने पूछा, इनको आप रिश्तेदार क्यों मानते हैं? उसने उत्तर दिया, क्योंकि ये हमें सुख देते हैं, इसलिए हम उनको रिश्तेदार मानते हैं। मैंने पूछा कि क्या ये आपको कभी कभी दुख भी देते हैं? वह बोला, हाँ ये दुख भी देते हैं। मैंने पूछा, आपको खून के रिश्तेदार ज़्यादा दुख देते हैं या दूसरे अपरिचित लोग? उसने थोड़ा विचार किया, सोच कर बोला कि अब तक का अनुभव तो यही है कि जितना दुख मेरे रिश्तेदारों ने मुझे दिया है उतना अपरिचित लोगों ने नहीं दिया। तो सार क्या हुआ कि जो खून के रिश्तेदार हैं वे सुख कम और दुख अधिक देते हैं। तो मैंने कहा कि आपका प्रयोजन खून की रिश्तेदारी है या सुख की प्राप्ति? वह बोला, सुख की प्राप्ति। तो मैंने कहा, यदि कोई व्यक्ति आपका खून का रिश्तेदार ना हो, मित्र आदि हो और आपको सुख देता हो, तो क्या वह आपका रिश्तेदार कहलाएगा या नहीं? वह बोला, हाँ वह भी कहलाएगा। तो मैंने कहा, असली रिश्तेदार वह है जो आपको सुख देता है, चाहे वह खून का रिश्तेदार हो या ना हो, क्योंकि आपका प्रयोजन सुख प्राप्ति है, इसलिए सुख देने वाला व्यक्ति ही आपका वास्तविक रिश्तेदार है। स्वामी विवेकानंद परिव्राजक। नमस्ते जी।